वेलकम बैक टू माय चैनल। मोमो तू मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है यार? मैं इतने भी सुंदर नहीं हूँ। मैंने ये कब बोला? इससे पहले कि कोई कमेंट में लिखे कि दीदी क्या आप कैल्विन क्लेन की टी शर्ट पहन रखी हो। By the way, guys, Jungkook उस Calvin Klein advertisement कितना मस्त लग रहा था। So guys, आज हम एंटर, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेंसिव स्विस चैलेंज। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं बहुत सारे पैसे उड़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे डाउनटाउन जवानों के अड्डे में और वहाँ से जारा से, क्योंकि हमारी हैसियत सिर्फ जारा की है, वहाँ से हम सबसे महंगे कपड़े खरीदेंगे। और उसके बाद में हम जाएंगे कन्वीनियंस स्टोर और वहाँ से हम जो भी सबसे महंगा खाना है ना वो खरीदेंगे। और इस चैलेंज के लिए जो भी मेरे पास सबसे महंगा सामान है ना, जैसे कि बैग, ज्वेलरी, मेकअप, वो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और मुझे पक्का पता है कि कोई ना कोई ऐसा कमेंट करेगा, Oh my God, तुम इतना शॉप करती हो। So guys, please, 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 आप ऐसा बिल्कुल मत समझना, मैं कुछ भी फ्लैक्स या शॉप नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस चैलेंज के लिए ये कर रही हूँ। आपको तो पता है कि मैं कितनी कंजूस मक्खी चूस हूँ, मतलब कि मैं होटल से भी चप्पल चुरा लेती हूँ। लेकिन चैलेंज स्टार्ट करने से पहले, हर कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज की परंपरा ये है कि हम स्टार्टिंग में हमेशा कुछ अजीब गरीब डीएम्स पढ़ते हैं, तो आज भी हम उससे स्टार्ट करते हैं। एक लकड़े ने लिखा है, बेबी मैं तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। I'm sorry, मैं टकली हूँ। एक लड़की ने लिखा है, यू आर वेरी अगली। देख बहन, दिल की मैं बहुत अच्छी हूँ, वैसे तो अप्सरा पेंसिल भी होती है। किसी और ने लिखा है, दिस एटीट्यूड वॉन्ट टेक यू एनीवेयर। वैसे भी मम्मी कहाँ जाने नहीं देती। एक बहुत ही किडनी टचिंग कमेंट लिखा है, बोलो जुबान केसरी। ये क्या है? ये तो टट्टी है बेटा, पान थूक कर कमेंट किया कर। टट्टी से मुझे याद आया, किसी ने लिखा है, ऐसे बवासीर वीडियो से मेरा दिमाग क्यों खाती है। सॉरी, मैं टट्टी चीजें नहीं खाती। नेक्स्ट, मुझसे शादी कर लो, सच कह रहा है दीवाना, मस्त नहा दो के संडे को आना। किसी ने मेरी तारीफ करी है, You look like Karishma Kapoor. गरीबों की सस्ती लो बजट करिश्मा कपूर। ये सब बोलना जरूरी था क्या? बिग बॉस मुझे हट हो रहा है। मुझे हट हो रहा है। किसी ने पूछा है, मोंगमोंग इतना काला क्यों है? इस जवाब का सवाल मेरा कुत्ता देगा। आपने कुत्ता किसको बोला? मोंगमोंग तो इतना काला क्यों है? मैं काला जरूर हूँ, लेकिन दिल का बहुत साफ हूँ। एक आंटी जी ने लिखा है, तुमने फार्मेसी की है और तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता। आंटी जी, फार्मेसी स्कूल में खाना बनाना नहीं सिखाते। फार्मेसी और खाना बनाने का क्या रिलेशनशिप है? मतलब कि कुछ भी, मतलब कुछ भी। योर आईज आर गोल्स। यार सबकी गोल होती है। मस्त जोक मारा रे। और आज का लास्ट कमेंट, इतना बदसूरत कुत्ता मैंने कभी नहीं देखा। कुत्ता किसको बोला? औलाद है मेरी, मेरे कलेजे का टुकड़ा। इज्जत से मोंग मोंग जी बोला करो, मोंग मोंग जी। सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। तो गाइस, आज के थे ये अजीब गरीब डीएम्स और अभी हम जल्दी से डाउनटाउन चलते हैं, वहाँ पर शॉपिंग करते हैं। और बाय द वे गाइस, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, वो क्यू एंड ए वीडियो होने वाला है। तो अगर आप मेरे वीडियो में फीचर होना चाहते हैं ना, आप इंस्टाग्राम पर जो भी आपका सवाल है ना, उसका वीडियो बना के अपना ब्यूटीफुल सा थोपड़ा दिखाकर वो वीडियो मुझे डीएम में भेजें, ताकि कि मैं जो आपका सवाल वाला वीडियो है ना, वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में डाल लूं और उसका जवाब दूं। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है, या फिर मम्मी पापा इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करने देते, या फिर आपको शर्म आती है वीडियो भेजने में, तो कोई बात नहीं, जो भी आपका सवाल है ना, वो वहां पर कमेंट में नीचे लिख दीजिए। ये फालतू की बकबक थोड़ी कम करते हैं, अभी हम जवानों के अड्डे में चलते हैं। गाइस क्या बात है, मुझे घर से निकलते ही ये वाली मोटरसाइकिल मिल गई। इसका ये मतलब है कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो गाइस, मैं डाउनटाउन के लिए इस रास्ते से जा रही थी और देखो मुझे वहां पर क्या मिला। द टाइनी टर्टल। गाइस यहां पर, ओह सो स्केरी। यार इस मच्छी को भी बॉयफ्रेंड मिल गया, क्या बात है। थोड़ी सी धूप क्या निकल जाती है कोरिया में, आंटी जी छतरियां लेके निकल जाती है बाहर। छतरी नहीं तो ये टोपी भी सही है। मैं आपको मेरी फैशन दिखाना भूल गई। ब्लैक कलर की टी शर्ट। तो गाइस अभी हम फाइनली जवानों के अड्डे में डाउनटाउन में आ चुके हैं, क्योंकि अभी कोरिया में जो मास्क है ना वो लगाना जरूरी नहीं है, तो इस बार आप जो लौंडे लौंडे ना उनका थोपड़ा भी देख सकते हैं। ये होता है मेरा थोपड़ा जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ। सो गाइज यहाँ पर रहा H&M, लेकिन आज हम अमीर लोग हैं तो आज H&M नहीं जाने वाले, आज अमीरों वाला H&M जाने वाले हैं, जो कि है
तो गाइस वो रहा ज़ारा और यहाँ पर सामने रही जे होप की जो डांसिंग एकेडमी है ना, जहाँ पर जे होप ने डांस सीखा था, वो वहाँ पर रही ऊपर। आई होप कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छे से क्यूट से महंगे से कपड़े मिल जाएं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो भी सारे कपड़े हैं इनकी फैशन बहुत ही अजीब गरीब है। कुछ टी शर्ट यहाँ से नीचे से खुली हुई है, ये वाली ड्रेस साइड से फटी हुई है, इस वाली स्वेटर में छेद ही छेद है। टी शर्ट के जो पॉकेट जरा ये इतने ऐसे खुले सामने बड़े बड़े क्यों है? इस टी शर्ट का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से खुलती है कहाँ से बंद होती है। लगता है इस कोट की सिलाई पूरी खत्म भी नहीं करी। यहाँ पर रही एक छेद वाली बनियान, इतनी महंगी बनियान कौन पहनता है? गाइस ये कैसे कपड़े हैं, इसको लोग कैसे पहनते हैं और क्यों पहनते हैं? यार ये तो हद हो गई, ये कौन सी टाइप की ड्रेस है, टी शर्ट है, क्या है और इसके बीच में छेद क्यों है? गाइस मुझे सबसे महंगी सैंडल भी मिल चुकी है ये, लेकिन सैडली यहाँ पर मेरी साइज नहीं है। मैंने अभी यहाँ पर ज़ारा के जो सबसे महंगे कपड़े है ना वो ले लिए और अभी मैं इनको ट्राई करती हूँ। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। So guys, shopping is done. और ये वाले जो कपड़े थे ना वो ज़ारा के सबसे महंगे कपड़े थे, लेकिन टेक्निकल इतने भी महंगे नहीं थे क्योंकि अभी गर्मी चल रही है कोरिया में, तो उसकी वजह से जो ज़ारा में जो कपड़े ना वो काफ़ी पतले हैं, काफ़ी छोटे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। So guys, अभी भी मैं नहा धोकर आई हूँ क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती है कि जब भी नए कपड़े पहनते ना तो नहा धो के पहनने चाहिए। अभी हम जल्दी से हमारे इस मस्त मस्त थोपड़े का मेकअप करते हैं। और अगर आपको रास की बात बताऊँ ना तो मैंने इन मेकअप प्रोडक्ट्स में से एक भी चीज नहीं खरीदी। ब्लश, मेरा ब्लश ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लिपस्टिक, तो गाइस ये रही मेरी 5,500 की ड्रेस। एक्चुअली इससे अच्छी मुझे कुछ और मिली नहीं, तो इससे काम चलाना पड़ेगा। और गाइस मैंने ज़ारा से ये जीन्स का कोट भी लिया था क्योंकि मुझे लगता है कि ठंडी पड़ने वाली, तो मैं इसको इसके ऊपर पहन के चली जाऊंगी। ये वाला जैकेट ड्रेस से भी ज्यादा महंगा है। जो सबसे महंगी परफ्यूम मेरे पास है वो है ये वाली। मैं सोच रही हूँ इस बोतल को पूरी खत्म कर दूँ। और अभी हम कुछ इयररिंग्स पहनते और बाहर जाने की तैयारी करते हैं। This looks so pretty. So guys, अभी मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ, तो जल्दी से कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं और वहाँ पर महंगा महंगा खाना खाते हैं। वो रहा कन्वीनियंस स्टोर, नाइस टू सी यू। मेरे लिए भी गेट खोल देना यार, थैंक यू। ये रही छाबड़ी, यहाँ पर रहा कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज और यहाँ से हम जो सबसे महंगी ड्रिंक्स है ना वो वाली लेते हैं। ऑफकोर्स हम दारू या बियर वो नहीं ले सकते, सो नॉर्मल नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं। फंटा, कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, लेमन वाली पेप्सी, इन सारी ड्रिंक में से सबसे महंगी है ये वाली ड्रिंक, जो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या है। जैसा अंदे ये उत्तम ड्रिंक है। सो बेसिकली जब आप बहुत सारी दारू पीते हैं तो आपका सर दर्द करता है, आपका पेट दर्द करता है, आपकी बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है ना, तो तब ये पीने वाली ड्रिंक होती है। तो मैंने दारू नहीं पिया तो मैं ये नहीं पी सकती। सबसे महंगी ड्रिंक है ये वाली स्टारबक्स की कॉफी। I'm gonna get this one. इसको आराम से रखते हैं। अभी मैं जो सबसे महंगा पानी है ना वो लेने वाली हूँ यहाँ से। So guys, ये वाला है गरीबों का पानी और हम अमीरों का पानी है ये वाला, जो कि है 2201। यहाँ पर आपको बहुत सारे रामियंस मिलेंगे। ये वाले हैं जिन रामियन, तो यहाँ पर रहा जिन। ये वाले हैं सबसे सस्ते रामियन और ये वाले हैं सबसे महंगे रामियन। मैं सोच रही हूँ कि जो सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट या मिठाई है ना वो हम लेते हैं। यहाँ पर रही बहुत सारी कैंडीज, ये पिकाचू वाली सबसे महंगी है और ये छतरी वाली भी सबसे महंगी है, सो आई एम गोना गेट दिस टू। सो गाइस ये रही कुकीज, तो आप प्लीज गेस करिए कि इनमें से कौन सा सबसे सस्ता है और कौन सा सबसे महंगा है। सो वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि ग्रीन वाला सबसे सस्ता है या फिर ब्लू वाला सबसे सस्ता है। तो सबसे सस्ता वाला है ये वाला, बहुत ही सस्ता है, और सबसे महंगा वाला है ये वाला। सो जिसने भी करेक्ट आंसर दिया तो उसके लिए गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। आई एम गोना गेट दिस वन। यहाँ पर रही चिप्स, ये वाली है सबसे महंगी, आई एम गोना गेट दिस वन। सो गाइस अभी हमने बहुत सारा सामान ले लिया और मैंने वापस कोट भी पहन लिया है, और मैं आइसक्रीम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे जुकाम हो जाएगी बाद में, तो उसकी वजह से आई एम जस्ट गोना बाय दिस वन। गाइस मैंने ये सामान ले लिया और यहाँ पर मुझे जो सबसे महंगी चॉकलेट है ना वो वाली दिखी, लेकिन I already bought everything. अभी हम ये खाना यहाँ पर बैठ के खाते हैं और वहाँ पर बाहर रहा एक लोंडा जो कि सिगरेट पी रहा है। आई एम रियली रियली थर्स्टी गाइस, तो सबसे पहले हम ये महंगा वाला पानी पीते हैं। लेट्स ओपन इट। डोले शोले, एक सेकेंड, डोले शोले। चीयर्स।
यार इसका टेस्ट तो नॉर्मल पानी जैसा, ये कुछ खास नहीं है। रामियन टाइम। सो ये रहे नूडल्स, ड्राई वेजिटेबल एंड पाउडर, और ये रही सॉस। जब तक हमारे नूडल्स तैयार होते हैं हम ये वाली जो कॉर्न चिप्स है ना ये वाली खाते हैं। कॉर्न शेप, मैं आपको सिखाती हूँ कि इनको कैसे खानी चाहिए। सो यहाँ पर छेद है तो आपको अपने हाथों में, ओ यहाँ पर छेद रहा तो आपको इसको फिंगर में ऐसे डालना है। हाय गाइस, गाइस आपको मेरे नए नेल आर्ट कैसे लग रहे हैं? ओह नो, अगर आपको कहीं पीछे से इच्छी हो रहा है तो इसके साथ अपनी खाज खोल सकते हैं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो इन नाखून से उनका मुंह आप नोच सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं इन नाखून के साथ, तो यम्मी। अभी हमारे नूडल्स भी तैयार हो गए हैं। सो गाइस ये रहे जापानी स्टाइल वाले नूडल्स। व्हाट ऑलरेडी, मैंने खाना स्टार्ट भी नहीं किया और ऑलरेडी मैंने गिरा दिया कुछ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। So guys, मैंने रामियन्स पूरे खा लिए और जो बाकी की कैंडीज यहाँ पर है ना वो हम बाहर जाके खाते हैं। ये जो सूप बच गया ना हम इसको यहाँ पर फेंक सकते हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए गाइस, सो प्रीटी। अभी हम जो कैंडी बची थी ना वो वाली खाते हैं। गाइस वो ब्लू वाली चॉकलेट लगता है मैं अंदर ही छोड़कर आ गई, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम ये पिकाचू वाली खाते हैं। लेट्स ओपन। सो इस पैकेट के अंदर आपको इनमें से एक पॉकेबॉल मिलेगी और कुछ कैंडी। आई होप कि मुझे पिकाचू मिले, लेकिन पिकाचू नहीं है। तदान, सो क्यूट। और यहाँ पर इतनी सी कैंडी, मतलब कि इतना महंगा सिर्फ इस पॉकेबॉल के लिए। ये वाली है लेमन टेस्ट पीच। ओह नो, यहाँ पर रहा मेरा स्टारबक्स। शेक शेक शेक, डोले शोले। ये वाला है मोका, मजा आ गया। लास्ट वन, ये भी पोकेमोन का है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको ओ खोलते कैसे। लेट मी ट्राई। अरे ये तो सिर्फ शुगर ही है यार, इतनी महंगी चीनी कौन खाता है। ब्लू वन, पर्पल, पिंक। अभी हम इसको वापस बंद कर देते हैं। सो गाइज ये था हमारा लंच। एक्चुअली लंच भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी शाम के 4 बज रहे हैं और कुछ घंटे बाद में लीन मेरे घर पर आने वाले हैं पहली बार, तो मैं उसको मेरा घर दिखाऊंगी और उसके बाद में हम खाना खाएंगे और मंगमू को घुमाने लेने जाएंगे। तो अभी हम जल्दी से घर पर चलते हैं। वो रही लीन। लीन अन्यांग। Oh, look at Lynn's person. Arimanida. And I also wanted to wear a striped shirt, but then I said no. Chuo? Namo chukka? Kintana? I heard about you long before we met. Are you excited to see my kabad khana? Kinedeo. Kinedeo. Namo. Jinja? Chingo. तो मैं अभी लीन को सिखा रही हूँ कि मंग मंग को कैसे बाहर घुमा। सो गाइस अभी लीन भी घर पर चली गई है और मैं और मंग मंग भी घर पर जा रहे हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी बहुत ही अजीब गरीब वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये चैलेंज सक्सेसफुल रहा ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड आई सी यू वेरी वेरी सी माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक बधाई, खुश रहिए, बाय।